हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि कोई भी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा जेड के, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी मुझे एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे दे और उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, जेड प्लस का जो भी ग्रुप का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको यूज करके इसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जी डॉट बी ए एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप जेनरेटेड बाय कोई भी एक एलिमेंट ए से हम लोग मान लेते हैं कि ये जेनरेट है। तो जी जो आया हमारा वो ग्रुप क्या है, ए से जेनरेटेड होगा, तो उसके अंदर एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी तो आएगा ही, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए एन एंड सो ऑन, क्योंकि ये इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मुझे क्या दिखाना है कि आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, डिफाइन ए मैपिंग। तो हम लोग एक मैपिंग लेट से टी डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक, तो जी से, ये जो जी ग्रुप है इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसके बीच, जेड प्लस के बीच, क्योंकि इन दोनों में मुझे दिखाना है कि आइसोमॉर्फिक है। और ये डिफाइन जो हो रहा है वो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, टी जी का एलिमेंट कैसा है, इस फॉर्म में होगा, तो ए टू द पावर एन जब होगा तो ये क्या दे देगा, एन दे देगा, फॉर ऑल ए टू द पावर एन बिलोंगिंग्स टू जी, वो तो बिलोंग करेगा ही, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैपिंग हम लोग ऐसे डिफाइन किए कि जब भी हम लोग जी सा एलिमेंट डालेंगे तो ये जो पावर में रहेगा ए टू द पावर एन है, तो ये क्या दे देगा, उस पावर को यहाँ पे एन ले देगा, ओके। तो अब जो कि मुझे आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो आइसोमॉर्फिक हम लोग कैसे दिखाते हैं, उसके लिए तीन चीज़ करना होता है कि पहले मुझे ये दिखाना होगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग टी एक्स वाई निकालें तो ये आना चाहिए टी एक्स इंटू टी वाई, मैपिंग कंपोजिशन, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद मुझे दिखाना होगा कि ये वन वन है और इसके साथ क्या है, ऑन टू है। मीन्स कोई भी मैपिंग अगर होमोमॉर्फिक हो, वन वन हो, ऑन टू हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो हम लोग को बस ये तीन चीज़ चेक करना है यहाँ पे, ओके, ठीक है, करते हैं वन बाई वन। सो पहले हम लोग चेक करेंगे टी इज होमोमॉर्फिज्म, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है जी से, एक्स वाई दो एलिमेंट है जो कि जी का है। तो अगर जी का एलिमेंट है तो एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर आर, वाई को कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एस, क्योंकि जब इसका है तो ए के पावर में ही होगा क्योंकि वो जनरेटर है ना ए, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग काउंट, वी हैव टी एक्स वाई हम लोग निकाल रहे हैं। अब टी एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, तो x को क्या लिखेंगे, ए आर इंटू ए एस, तो ये क्या हो गया, टी ए आर प्लस एस, ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि टी इसका जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ रहा है कि जो पावर में रहेगा वो रिलीज हो जाएगा, तो ए आर प्लस एस आ गया, ये क्या आ गया, आर प्लस एस आ गया, आर प्लस एस आ गया, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R का वैल्यू क्या होगा, R अगर हम लोग T में देखें तो R यहाँ पे कब मिलेगा, जब हम लोग इसे लिखें T A टू द पावर R और इसे लिखें T A टू द पावर S, ये क्या हो गया, T A टू द पावर R प्लस T A टू द पावर S, जिससे सॉल्व करेंगे ये R इसके पावर में S, तो ये दे देगा। तो हम लोग क्या, ठीक है, और ये T A टू द पावर R क्या है, A टू द पावर R अगर हम लोग देखें तो ये X है प्लस टी वाई, मीन्स मुझे क्या मिल गया कि हम लोग टी एक्स डॉट वाई निकालें, ये आ गया टी एक्स प्लस टी वाई। तो यहाँ पे जो मैपिंग जो है ये प्रिजर्व कर रहा है, कैसे कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन में क्या था, मल्टीप्लाई था जो कि हम लोग किए, यहाँ पे क्या प्लस है तो उसने प्लस के फॉर्म में दिया, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि टी प्रिजर्व दी कॉम्पोजिशन, मैपिंग कॉम्पोजिशन को ये प्रिजर्व कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ टी इज होमोमॉर्फिज्म,
कि ये होमोमॉर्फिज्म है हमारा, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते, टी एक्स इंटू टी वाई आता, जो कि अभी मैंने लिखा भी था, ठीक है, जो डिफिनेशन में होता है कि टी एक्स इंटू टी वाई होता, ठीक है। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे क्या है, टी इज वन वन। ओके, वन वन के लिए फिर से लेते हैं कि हम लोग दो एलिमेंट लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन एक्स इज इक्वल्स टू ए आर एंड वाई इज इक्वल्स टू ए एस। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई, और इसके अगर हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू वाई दिखा देंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों वन वन है। टी एक्स मीन्स टी ए टू द पावर आर इक्वल्स टू टी ए टू द पावर एस, तो दिस इंप्लाई इसमें क्या आ जाएगा, ए टू द पावर आर है तो आर इक्वल्स टू एस आ गया, आर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, एस आ गया। अब जैसे ही आर इक्वल्स टू एस आया, इसका मतलब ए टू द पावर आर और ए टू द पावर एक्स के अगर जगह से देखें, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर इक्वल्स टू ए टू द पावर एस, क्योंकि आर और एस क्या है, इक्वल है, और ए टू द पावर एस क्या है, वाई है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इक्वल हो गया वाई के, दिस इंप्लाई टी इज वन वन, टी हमारा क्या है, वन वन आ गया। ओके, अब बच गया लास्ट चेक करना कि टी इज ऑन टू, टू टी क्या है हमारा, ऑन टू है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस जेड प्लस का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एन बिलोंग्स टू जेड, देन देयर एग्जिस्ट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट लेट से एक्स, कोई एक एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग करेगा, इन जी, सच दैट x इज इक्वल्स टू, ये x किस फॉर्म में होगा, g का एलिमेंट है, मीन्स a टू द पावर समथिंग होगा। तो लेट्स से एक ऐसा एलिमेंट हम लोग लिए जिसका x का जो वैल्यू है वो है a टू द पावर n, सच दैट, तो इसका क्या मतलब हुआ, t x अगर निकालें, दैट इज t a टू द पावर n निकालें, तो क्या आ गया हमारा n, मीन्स यहाँ पे कोई भी अगर z का कोई भी एलिमेंट लें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग एक x ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसमें टी एक्स इक्वल्स टू एन मिल जाए। तो ये क्या हो गया, इसका क्या मतलब है कि यहाँ का जो भी हम लोग कोई एलिमेंट लेंगे उसका सबका प्री इमेज यहाँ पे मिलेगा, प्री इमेज हमको मिल रहा है, इसका ये मतलब होगा टी इज ऑन टू, टी क्या है हमारा, ऑन टू है। तो आइसोमॉर्फिज्म का तीन जो कंडीशन होता है, होमोमॉर्फिज्म वन 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 टू सेटिस्फाई है, इसका मतलब हेंस जी डॉट ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड प्लस के, ये क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड प्लस के, जो कि प्रूफ करना था हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। उसी तरह हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन के, यहाँ पे जेड है वो क्या हो जाएगा, जेड एन के होगा आइसोमॉर्फिक, ठीक है। इसका भी प्रूफ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।